हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास टेंथ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जो कि टेंथ क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में हम सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रिशन बट एक्चुअली इस टॉपिक के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है सो हियर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस जो भी बेसिक फंक्शंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए मेंटेन करने के लिए परफॉर्म करता है वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं जो जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है सच प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। सो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइफ प्रोसेस अगर हम देखें तो एक नॉर्मल कोई फोर व्ही व्हीलर है उस फोर व्हीलर में अगर हम देखें कि जो चार पहिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें एक भी पंचर हो जाता है तो गाड़ी नहीं चल सकती अगर हम चला लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर चलने के बाद उसमें कोई ना कोई मेल फंक्शनिंग आ जाएगी कुछ ना कुछ गड़बड़ और हो जाएगी उसमें तो इसका मतलब ये है कि जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो गाड़ी के चार पहिए की तरह होते हैं जैसे लाइफ को जीने के लिए इन चारों प्रोसेसेस का होना ज़रूरी है अब मैंने यह वर्ड लिया है चार फोर लाइफ प्रोसेसेस तो फोर लाइफ प्रोसेसेस आर द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस उसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन दीज फोर प्रोसेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट ये गाड़ी के चार पहिए हमारे जीवन की गाड़ी के ये चार पहिये हैं इसी के साथ साथ कुछ और भी प्रोसेसेस होते हैं जिनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है एक ऑर्गेनिज्म का कि अगर हम देखें कि वो जिंदा है या नहीं है तो पहला वो न्यूट्रिशन ले रहा है खाना खाना नॉर्मली फूड प्रोक्योर करना खाना लेना इज न्यूट्रिशन तो अगर कोई जिंदा है है तो अलाइव होने का मतलब है वो खाना तो खाएगा ही खाएगा अगर एक यूनिज ऑर्गेनिज्म भी है अमीबा भी है तो बिना खाना खाए वो जिंदा नहीं रह सकता नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन सांस लेना नहीं है रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं सब रेस्पायर करती हैं तो रेस्पिरेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है अगर हम बात करें कि हमारी सेल रेस्पायर कर रही है तो हमारी सेल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के एनर्जी बना रहा है दैट इज रेस्पिरेशन सेल्युलर रेस्पिरेशन वही जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड कर देना यह भी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, है, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन के साथ लिंक कर सकते हैं जिसको हम नॉर्मली ब्रीदिंग भी बोलते हैं नेक्स्ट हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमने खाया वो खाना हमारी बॉडी सेल्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती ये जो फूड है पहले कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स जो हम खा रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इसके बाद ये सिंपल में कन्वर्ट होता है सिंपल में कन्वर्ट होके ये हमारे ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर ये हमारी सेल्स तक पहुंचता है तो जब फूड ऑक्सीजन हॉर्मोन्स न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह यानी कि जहां से बनते हैं वहां पे साइट ऑफ सिंथेसिस से लेके साइट ऑफ रिक्वायरमेंट तक जब ये जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद ही रेस्पिरेशन होता है तो ये तीनों तो आपस में लिंक कर गए अब ट्रांसपोर्टेशन हुआ रेस्पिरेशन भी हुआ तो रेस्पिरेशन में अगर बॉडी सेल्स में कार्ब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स टूटते हैं तो इसमें हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है फैट है प्रोटीन जो हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है मुख्य होती हैं तो इनका ब्रेक डाउन होता है इससे हमें एनर्जी मिलती है तो इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जब वो ब्रेक डाउन करते हैं जब वो टूटते हैं तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं तो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना इज एक्सक्रीशन बॉडी में कोई नाइट्रोजनस वेस्ट हो कोई मेटाबॉलिक वेस्ट हो हार्मफुल वेस्ट हो उसको बॉडी से निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है इसके बाद में कुछ और क्राइटेरिया अब अगर हम देखें कि ये जो चार क्राइटेरिया हैं ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन ये चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता इसमें से अगर एक भी हाथ खड़े कर दे कि मैं अब काम करने से मना कर रहा हूं तो हमारी लाइफ दिक्कत में आ सकती है तो दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस गाड़ी के चार पहिए बट इसके अलावा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग और भी क्राइटेरिया से कह सकते हैं उसमें आता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाना रिप्रोड्यूस करना इज रिप्रोडक्शन तो एक अगर एक यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म भी अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो वो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है अगर प्लांट अपने जैसा नया प्लांट बना रहे हैं तो वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स में बच्चे पैदा करना इज रिप्रोडक्शन तो अगर कोई जिंदा है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा ग्रोथ होना ग्रोथ होना भी साइन है किसी ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने का जब हम बचपन में जब पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है तो नेचुरली बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में हमें चेंज दिखाई देते हैं दैट इज ग्रोथ एंड मॉलिक्यूलर मूवमेंट अब यहाँ पे छोटी सी बात हमें समझनी है कि मूवमेंट क्या होता है सबसे पहले अगर हम बात करें मूवमेंट की केवल मूवमेंट की तो इसको हम दो में डिवाइड करेंगे एक होता है विजिबल मूवमेंट विजिबल और एक होता है इन विजिबल मूवमेंट विजिबल मूवमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है जैसे मेरे हाथ का मूवमेंट आंखों का ब्लिंक करना मेरा फेशियल एक्सप्रेशन ये सब आपको दिखाई दे रहा है दिस इज विजिबल मूवमेंट और अगर हम बात करें इनविजिबल मूवमेंट तो उसमें आता है मॉलिक्यूलर मूवमेंट जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जा रहा है लंग्स में जो एल्व्यूलाइज है ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देती हैं ब्लड में और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं लंग्स को तो ये जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी क्राइटेरिया है किसी को जिंदा रखने का एंड हम जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी क्राइटेरियाज थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और भी क्राइटेरियाज हैं जैसे आ, किसी स्ट्यूमुलाई के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमुलाई आ गया यहां पे रिस्पॉन्स टू स्टूमुलाई क्या होता है रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमुलाई मान लीजिए कोई भी चीज के हिसाब से अगर बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो दैट इज रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमलाई जैसे हम धूप में जाते हैं और बहुत धूप में जाते हैं एकदम रूम से निकल के तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो बहुत ज्यादा रोशनी हमारी आंखों में ना जाए इसके लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है रिस्पॉन्स दे रही है भूख लगना रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमिलाई जैसे हम कोई चीज की अच्छी सी चीज की हम स्मेल हमारे नाक में जाती है एक अरोमा जो है वो हमारे आसपास है तो नेचुरली हमें भूख लगती है तो दैट इज फूड की स्मेल एक स्टिमुलाई है और हमें भूख लगना इज रिस्पॉन्स है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से जब एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है जब एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है किसी भी स्ट्यूमलाई के लिए तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमिलाई व्हाट इज ट्यूमलाई एनी चेंज इन एक्सटर्नल बाहर के के में में या अंदर के में कोई भी बदलाव तो किसी को जिंदा रखने का यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसके अंदर रिस्पॉन्स टू स्ट्यूमुल होगा चाहे वो प्लांट हो कोई यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो या कोई मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो या हम जैसा कॉम्प्लेक्स हो तो हमने क्या देखा कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या है द लाइफ प्रोसेस इज द बेसिक फंक्शन परफॉर्मड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस देयर आर फोर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन ये चार गाड़ी के पहिए इसके अलावा कुछ और ऐसे क्राइटेरियाज भी हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा करार देते हैं तो उनमें चार तो हैं इसके अलावा ग्रोथ मोलिकुलर मूवमेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई रिप्रोड्यूस करना ये सारे क्राइटेरिया में काउंट होते हैं अब द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाईज फॉर द वेरियस एक्टिविटी अब लाइफ प्रोसेसिस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रीशन की क्योंकि हमने क्या देखा कि सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस है जो हम पढ़ते हैं उसमें न्यूट्रिशन आता है वट इज न्यूट्रिशन द प्रोक्योरिंग ऑफ फूड कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो खाना खा रहा है उसने फूड ऑप्टेन किया फूड कॉम्प्लेक्स था ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में कन्वर्ट हुआ और सिंपल में ये जब कन्वर्ट हुआ तो बॉडी ने इसको यूटिलाइज किया तो यूटिलाइज करना पूरा फूड यूटिलाइज जब तक नहीं किया तब तक न्यूट्रिशन पूरा नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे फूड खाना

तो इसको हम बोलेंगे डाइजेस्ट करना खाना पचाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन काम करेंगे हम खाना खाएंगे हमारे खाना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में स्टोर होगा स्टमक में कुछ एंजाइम्स होंगे माउथ में कुछ एंजाइम्स होंगे स्मॉल इंटेस्टीन में कुछ एंजाइम होंगे जो फूड को डाइजेस्ट कर देंगे वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा ये कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स से सिंपल में और जब फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको यूटिलाइज करना आसान रहेगा अदरवाइज कॉम्प्लेक्स फूड को हमारी बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है अब जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टेड फूड में क्या है कार्बोहाइड्रेट है फैट है प्रोटीन हम यहां ले, ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट को ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है क्योंकि इनहेल्ड ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन है और यह पहले ट्रांसपोर्ट हो चुका है और यह इनहेल्ड एयर के साथ ट्रांसपोर्ट हो गया एवरी सेल टू द बॉडी थ्रू द ब्लड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये दोनों चीजें कैसे पहुंची ये दोनों चीजें एक सेल के पास पहुंची और पहुंचाने में मदद की एक लाइफ प्रोसेस ने उसको हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन में बॉडी में, में है डाइजेस्ट होके पड़ा है यहाँ पे फूड हमारा बहुत सारा डायजेस्ट होके रखा हुआ है अब ये अगर यहां पे रह जाएगा तो हम यूटिलाइज नहीं कर, कर पाएंगे तो ब्लड इस फूड को ले लेगा और ब्लड लेके इसको पूरी बॉडी को पहुंचा देगा सर्कुलेट कर देगा ब्लड केवल फूड को ही सर्कुलेट नहीं करता है वो हॉर्मोन्स को भी करता है आय को भी करता है, है, है। बहुत सारी चीजें ब्लड में सर्कुलेट होती हैं तो यहाँ पे फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं जो खाना पचा है उसमें कार्बोहाइड्रेट है फैट है प्रोटीन है तो ब्लड ने क्या किया सबको घुमा दिया बॉडी में पूरी चीजों को सर्क्यूलेट कर दिया हर सेल को दे दिया कि तुम भी ले लो तुम भी ले लो सारी सेल्स को संतुष्ट कर दिया उसी के साथ साथ जब इनहेल्ड ऑक्सीजन आया इनहेल्ड एयर के साथ उसको भी सब सेल को दे दिया तो ट्रांसपोर्टेशन ने अपना काम पूरा कर दिया सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद ली हार्ट ने ब्लड पंप किया और पूरे ऑर्गन्स में जितने भी टिश्यूज और सेल्स थे सबको क्या मिला अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स मिल गए अब जब न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका फूड का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वाटर प्रोड्यूस होगा और बनेगी एनर्जी ए बन गए तो हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन साइड द सेल ऑफ द बॉडी जब बॉडी सेल में फूड का ऑक्सीडेशन हुआ ये बॉडी सेल है इसमें फूड का ऑक्सीडेशन हुआ The breakdown of the food. What is oxidation? Oxidation is breakdown of food in the presence of oxygen. Breakdown of food in the presence of oxygen. That is oxidation. तो क्या बनी? अभी मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATPs इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे का फॉर्मेशन हुआ, so, the oxidation of food inside every cell. हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स है इससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई इसको हमने क्या बोला रेस्पिरेशन सो रेस्पिरेशन इज नॉट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एंड एंड रिलीजिंग एनर्जी रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी ए टी पी का बनना सेल में क्या कहलाता है रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन एवरी इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज जनरेटेड रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेट हुई बिल्कुल हमने मान लिया एनर्जी जनरेट हुई एंड वेस्ट भी बना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है सेल ने बनाया मान लीजिए ग्लूकोज की जगह यहाँ पे अमाइनो एसिड होते प्रोटीन होता तो अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से यहाँ पे बनते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट में तीन आते हैं बट हमारी बॉडी में जो बनने वाले नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया और जो यूरिया है वो एक प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है और यूरिया हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं तो रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस हुई बिल्कुल मान लिया एनर्जी जनरेट हुई एंड वेस्ट भी बना वेस्ट प्रोड्यूस आर नीडेड टू बी रिमूव जो भी वेस्ट बना है इस वेस्ट को सबसे पहले क्या बोला जाता है यह जरूर जान लीजिए इस वेस्ट को बोला जाता है या तो मेटाबोलिक वेस्ट मेटाबोलिक वेस्ट या इसको बोला जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबोलिक वेस्ट बन रहा है वो सेल अपने पास नहीं रखने वाली है उसको निकाल देगी ब्लड को दे देगी ले भगा दो इसको यहां से

क्या कहलाता है एक्सक्रीशन द वेस्ट प्रोडक्ट आर नीडेड टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन तो हमने चार लाइव प्रोसेस पढ़े पहला खाना खाना दैट इज न्यूट्रिशन उसके बाद में जो खाना कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बटा न्यूट्रिशन में ही डाइजेस्टिव सिस्टम ने ये काम किया कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी नहीं ले सकती उसको सिंपल में कन्वर्ट किया सिंपल जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज होने के लिए सेल में चले गए सेल में जाने के लिए मदद ली गई सर्कुलेटरी सिस्टम की सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को इन्वॉल्व किया गया हर चीज़ सेल तक पहुंचा दी इनहेल्ड ऑक्सीजन सेल तक पहुंचा दिया जैसे ही जो फूड है या हम ये कह सकते हैं ग्लूकोज माइनो एसिड फैट है उसके साथ जब ऑक्सीजन बाइंड हुआ फूड का ऑक्सीडेशन हुआ फूड का ब्रेक डाउन हुआ एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हमने बोला रेस्पिरेशन, और इसी के साथ साथ कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो वेस्ट भी बनेगा तो वेस्ट भी बन गया सेल में उस वेस्ट को बाहर निकालना कहलाएगा एक्सक्रीशन तो चार लाइफ प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके बाद के जो क्राइटेरियाज हैं और जो एक एक लाइफ प्रोसेस है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन के बारे में